Assalamu alaikum, dear students. I'm Dr. Ahmed Bilal Chima from University of Sargodha, and we are studying citizenship education and community engagement. In fact, this presentation is about the orientation of the subject, its meaning, history, presently working, and its benefits. शुरू में मैंने इस प्रेजेंटेशन को इंग्लिश नरेशन के साथ बनाया था, फिर कुछ स्टूडेंट्स के साथ शेयर किया और कुछ स्टूडेंट्स की रिकमेंडेशंस पे मैंने इसे उर्दू और इंग्लिश मिक्स बनाया है। आई अंडरस्टैंड दैट कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज़ में इनिशियल जो सेमेस्टर्स में पढ़ रहे हैं जो कि उर्दू बैकग्राउंड में प्रीवियस क्लासेस पढ़ के आए हैं, इंग्लिश की रीडेबिलिटी और लिसनिंग उन दोनों के लिए मुश्किल दोनों चीज़ें उनके लिए मुश्किल है। इस काम के लिए मैंने इसे इस तरह बनाया कि ये इंग्लिश और उर्दू दोनों में हो ताकि उन्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, फर्दर वो अपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के मुताबिक इसे अपने वर्ड्स में लिख सकें या अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और इसे ट्रू मीनिंग में समझ सकें। इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज एजुकेशन, सिटीजनशिप एजुकेशन, इसके थीम्स क्या हैं, इसके मीनिंग्स क्या हैं, और इन द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी हाउ इट वॉज स्टार्टेड। हियर वी शैल स्टडी अबाउट द हिस्ट्री फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेटेड एंड हाउ इट हैज़ इवॉल्व्ड इन द वर्ल्ड। थर्ड वन इज व्हाई देयर इज अ नीड टू इंट्रोड्यूस दिस सब्जेक्ट एट यूनिवर्सिटी लेवल। वी शैल स्टडी द रैशनल, कौन से ऐसे हालात थे जिनकी वजह से पाकिस्तान में इस सब्जेक्ट की ज़रूरत है और ये यूनिवर्सिटी लेवल पर क्यों पढ़ाया जा रहा है। और एक अहम बात जो हमने पढ़नी है कि इस सब्जेक्ट के पढ़ने से लर्नर को, स्टूडेंट्स को या सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उम्मीद है आपके लिए ये लेक्चर इस सब्जेक्ट का ओवरऑल एक मफहूम बनाने में या एनवायरनमेंट को समझने में बहुत हेल्प आउट करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। इफ यू हैव ऑनलाइन फैसिलिटी देन प्लीज फॉलो दीज लिंक्स टू हैव अ बेटर पिक्चर for understanding what is citizenship education and how it is relevant to us and the globe and the world at large. इसमें आपको citizenship education के मानी और इसके how इसमें किस तरह हम एक शख्स society के साथ और पूरी world के साथ जुड़े हुए ये समझने में मदद मिलेगी। What do you understand from this information cloud? ये आपके सामने एक डायग्राम है जिसे हम इंफॉर्मेशन क्लाउड कहते हैं। इसमें आप क्या समझ सकते हैं? जी, इसमें ढेर सारे लफ्ज़ हैं, ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो एक बड़े कॉन्सेप्ट्स के साथ जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जांपल पार्लियामेंट, डेमोक्रेटिक, सेकेंडरी, माई स्पेस, क्रिटिकल ड्यूटीज, रिपोर्ट्स, सिटीजनशिप issues, political, society, democracy, pupils, human, participation, thinking. These are all several concepts. They are interlinked. They combine, they work, they interlink to make a holistic picture of citizenship education. Citizenship education is teaching or promoting those skills that help the people to become active and responsible citizen in a society. दूसरे लफ्जों में हम कॉमन फहम के तौर पे हम कहते हैं कि citizenship education के ज़रिए हम लोगों को वो skills देते हैं कि वो अपने society के एक मुतहर्रिक और ज़िम्मेदार शहरी बन सकें। और ये skills कौन सी होती हैं जिनके थ्रू एक पर्सन कैन स्टैंड अंडरस्टैंड द रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, ये उसके अंदर अपने मुल्क में मौजूद जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसको समझ सकता है। इसके थ्रू उसके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी पैदा की जाती है, इसके ज़रिए वो अपने रोल को उसकी राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ समझ सकता है। इसके अलावा सिटीजनशिप एजुकेशन प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड नॉलेज एंड स्किल्स टू द यंग जनरेशन सो दैट दे मे अंडरस्टैंड देयर रोल इन फ्यूचर फॉर डेमोक्रेटिक एंड टॉलरेंट सोसाइटी।
مستقبل میں ایک جمہوری اور ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہوئے سوسائٹی پیدا کر سکیں جس میں اختلاف رائے کو برداشت کیا جا سکے. We have another definition of citizenship education. It gives people the knowledge and skills to understand, challenge and engage with the democratic society, including politics, the media, civil society, economy and the law. یہ وہ کسی بھی سوسائٹی کے وہ کمپوننٹس ہیں جو ان کے لوگوں جن کا ڈائریکٹ امپیکٹ لوگوں کی لائف اور لوگوں کے ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشنس پر ہوتا ہے. یہاں ان سے متعلق کیے گئے فیصلے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ان کی لائف پہ اور لائف کوالٹی پہ افیکٹ کرتے ہیں. آج کل دنیا میں بہت سارے زیادہ تر ممالک ایسے ہیں جو کہ ڈیموکریسیز پہ بیسڈ ہیں, جن میں جمہوریت ہے, پارلیمانی سسٹم ہے, الیکٹرلز ہیں, لوگ سلیکٹ کیے جاتے ہیں. سو ان ڈیموکریٹک اکانومیز میں یا ان ممالک میں ہمیں ایسے سٹیزن کی ضرورت ہے ہو از ایکٹیو, ہو از انفارمڈ اینڈ ہو از ریسپانسبل اینڈ ہو آر ولنگ اینڈ ایبل ٹو ٹیک ریسپانسبلٹی آف دیم سیلوز اینڈ دیئر کمیونٹی اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا پولیٹیکل پروسیس. آج کی دنیا میں ہم یہ کہیں کہ ایسی نسل تیار ہو جائے جو پولیٹیکل پروسیجر کو تو نہ سمجھتی ہو, اس میں ایکٹیولی انوالو بھی نہ ہو, اپنی رسپانسبلٹیز کو لینے کا حوصلہ بھی نہ ہو اور پھر کہیں کہ ایک اچھی سوسائٹی بن جائے, یہ ایک غلط خواب ہے. سو ان چیزوں کے ایک ڈیموکریٹک پروسیس کو زندہ رکھنے کے لیے اور ممالک میں ڈیموکریٹک انوائرمنٹ کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے سٹیزن پیدا کریں جو کہ ایکٹیو ہوں, انفارمڈ ہوں اپنے ریجنل, نیشنل اور انٹرنیشنل معاملات سے, اور اپنے رائٹس اور اپنی ذمہ داریوں سے متعلق وہ رسپانسبل ہوں. جو وہ فیصلے کریں انہیں ان پہ مکمل طور پہ انفارمیشن ہو کہ اس کیے گئے فیصلے کا کیا امپیکٹ ان کی لوکل پہ, ان کے ملک پہ اور ان کی گروپ کمیونٹی پہ آ سکتا ہے.